पानी में फंसे रहवासी, नगर परिषद सीएमओ बोले अन्य जगह करेंगे स्थापित। राजपुर में जबरन कॉलोनी में करीब 5 परिवार नदी के पास वर्षों से जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें बारिश के समय हमेशा खतरा रहता है। देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद नगर की रूपा भी बह निकली और नदी किनारे रह रहे लोगों के घर नदी का पानी घुसने लगा और लोग अपने घरों में कैद हो गए। सुबह नगर परिषद की टीम के द्वारा नदी में बहकर आए पेड़, लकड़ी व कचरे को जेसीबी के माध्यम से हटाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की गई। रहवासियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। वहीं सीएमओ नगर परिषद राजपुर का कहना है कि उन्हें आवास योजना का लाभ देकर जल्द दूसरे स्थान पर बसाया जाए। देर रात बारिश के कारण जहां नदी में बहाव तेज हो गया, वहीं साथ में बहकर आए कचरे के कारण पानी की निकासी रुक गई थी। फिलहाल निकासी शुरू हो गई है, जल्द रहवासियों की व्यवस्था की जाएगी। सुबह नदी आ गई थी, बाढ़ आ गई। क्या हुआ तुम्हें? पानी ज्यादा आ गया, घर होने में पानी घुस गया। कोई समस्या सुनने वाला नहीं है क्या आपकी? कोई नहीं, आए भी नहीं, अभी देखने भी नहीं आए, और कई देखने भी नहीं आए, और कई पूछने भी नहीं आए कि क्या हुआ क्या नहीं। और वो बाउंड्री बनाने को बोला था तो बाउंड्री भी नहीं बनाई, और जगह देने को बोल रहे जगह भी नहीं दी, आवाज भी नहीं दी। नगर परिषद बोलता है क्या हमेशा? हाँ, बोले थे कि हम तुमको जगह देंगे, वहाँ आवाज देंगे, वहाँ भी नहीं दिया और यहाँ भी नहीं, कहीं जगह भी नहीं दी, और पट्टे भी नहीं बनाए, पट्टे भी हमारे गुम हो गए। चुनाव में सब आते हैं, वोट लेने के लिए सब आते हैं।